ये देख इसन को पड़ी मार। बहुत ही ठंडी हवा है भाई, कोई हया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी जी देखें गाइस, मैं अभी काम शाम कर रहा हूँ तो नाश्ता नाश्ता दिया है, सब ऑफिस चले गए हैं तो मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो पुराना व्लॉग जो है वो हम जो कल बनाया था वो हम एडिट कर रहे हैं भाई, ऑन भाई वो देखें, तो अब नया बना रहे हैं। तो कुछ देर में हम मार्केट जाएंगे और फिर नया बनाएंगे। ओके ठीक है, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ और बिलाल भाई यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं। ये देखिए भाई, मैं ये बेडशीट धो रहा हूँ और मैं भी जाता हूँ, फिर आप आ जाना पीछे से। ओके मैं हाँ जी बना के आऊँगा ना भाई। सही, हाँ जी मैं आ जाऊँगा आपके पीछे। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। तभी खराब हो गई है, कैसे हुआ पेपर? आज वाला इंग्लिश का था, आज अच्छा हुआ। हाँ। तो कल इस्लाम मैथ का हुआ था ना, 30 मार्क्स की असेसमेंट थी। हाँ। 29 आए। अच्छा अल्लाह की कल तक काम है। वो मिला नहीं है पेपर। हाँ। 20 जब ए ग्रेड आएगा ना, ए प्लस ग्रेड सॉरी। नहीं तो अभी ऐसा कैसे होता था, अभी परसों पेपर होता था, मिल भी गया। इस्लाम मैथ के सर फ्री होते थे, तो मैथ की टीचर थी ना। हाँ। वो मिस्टर मीना नहीं आ रही तो वो बिजी थी, इस वजह से उन्होंने चेक नहीं किया। तो सर ने 28.95 से सर ने उनको राउंड आउट करके 29 कर दिए। आप क्या कर रही हो? सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ खाला के घर फिर से, और इज़न अब्बास का पेपर है वो देखे। इज़न एजुकेशन ले रहा है पर लेकिन इसका कल पेपर इंग्लिश का था, इसकी मैंने तैयारी कराई थी और कह रहा है बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और अब आज इसका पेपर है, ये इसका पेपर हो रहा है, ये इसका पेपर हो रहा है, ड्राइंग कर रहा है और वो भी देखो कितनी गंदी। इज़न आज इसका पेपर है, पता नहीं पेपर पढ़ना था। पेपर मैं करता हूं। हाँ। यार मैंने कुरान का किया है। हाँ। पेपर मैं इंग्लिश का दूंगा, चेक मेरा पेपर मैथ्स का होगा, मार्क्स मुझे किसके तक के उर्दू के मिलेंगे। उर्दू नहीं होता, उर्दू होता है। उर्दू तुम किस क्लास में, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता उर्दू? ओके मोमन के पेपर कब होंगे? मोमन तुम्हारे पेपर कब आने हैं? मेरे चल रहे हैं कल, मेरा फ्राइडे को इंग्लिश का है। अच्छा और है, इसके पेपर हो रहे हैं? नहीं तो पेपर नहीं हो रहे, वैसे टेस्ट होएगा ना, टीचर लेती है लिस्ट है उसके, उससे वर्ड याद करने हैं, फिर वो टीचर्स को लिखवाएंगी पूरे 10-12 वर्ड ऐसे टेस्ट ही होता है। तो जब इज़न का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, बल्कि मैं खुद स्कूल लेने जाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा इसके मार्क्स, और इसके मार्क्स अपलोड भी करेंगे, इसके मार्क्स क्या है। हां वो था, वो आपने कमेंट किया था ना भैया इज़न के मार्क्स दिखाओ, आज ही दिखा देंगे। हां अब जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, 10 पता जाना नहीं। अभी कितने पेपर रहते हैं तुम्हारे? अभी बहुत रहते हैं, अभी बहुत। तो जब इज़न का रिजल्ट आएगा तो आपको जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ओली भाई, ओली भाई। और फिर जो इज़न को उसके बाबा से मार पड़ेगी हम वो भी दिखाएंगे आपको। ओली भाई आज क्रिकेट फिर उसके ऊपर लिखेंगे इज़न को पड़ी मार। ओली भाई क्रिकेट ये देखिए, फिलहाल भाई को भूख लगी, वो गुलाब के फूल ही खाने शुरू हो गए। भाई मेरे अल्लाह खा, रोटी को ना खा खाया नहीं। तुम एडिट जो गए तुम मेरे सर फुटबॉल खेल करो, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। हम जा रहे हैं वापस, इधर ना हमारे दूसरे साहब हैं, उन्होंने मकान शिफ्ट किया है दूसरी तरफ, करने लगे हैं तो हम जा रहे हैं उधर, तो उधर हो गया अब घर जा रहे हैं। हाँ। तो आप देखिए मगरिब हो गई है, मगरिब हो गया पड़ रहे। हाँ। तो देखिए अब हमने थोड़ा सा सामान उनके साथ बनवाया था, वो भी हमने ले लिया साथ साथ, क्योंकि इतनी तो सारी मजदूरी बनती है। हाँ जी तो देखिए हम जा रहे हैं, कितनी प्यारी शाम है, धुआं धुआं। ये देखिए सर हम अभी जा रहे, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, लोग आए हुए हैं नमाज के लिए, और हमारा चैनल देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सरप्राइज करें। स-
1250 तो एक रुपए घट नहीं देती कोई भी होगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है जहां पर भी जाओ तुम लाइट्स ऑफ किया करो, तुम वहां पर उठ लो, मैं तो रोटी मुंह खोल आएंगे, उठ लो कोई रोटी नहीं खोनी, वहां पहले बताएंगे मुझे आकर। और बजट आया जे, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, दस है सनलाल कोई हया ही नहीं तक बत्तियां बाल का आ रही खुदा दे बंदिया ऐ तो बंद करिए जे खलो बनी हले तू बंद कर दे मैं फ्लैश ऑन कर। सो गाइस अभी हम निकले हैं वॉक के लिए, अभी मैं आया हूँ ऑफिस से, मैंने खाना वगैरह खाया है तो ऑन को कहा है चलो चलते हैं ज़रा वॉक करके आते हैं और पार्क से होके आते हैं। और मुझे त्रे लग गई है और अभी मुझे प्यास लग गई है तो इधर तो ग्लास ही नहीं पड़ा हुआ। ग्लास नहीं हो तो पी लेना टूटी उधर से पीते हैं ना, इधर से पी लो, यहाँ से पी लो, स्कूल में भी तो पीते थे ना कैसे। तो ये देखिए जेबी पार्क में जेबी कर, मैं स्लाइड लेने के लो ना स्लाइड फोग होने के दाई सुक्की नहीं चल चाट। मैं स्लाइड लेने जा रहा हूँ शेबी में, तू मेरे पीछे पीछे आना मैं तेरी वीडियो बनाना। उफ उफ चलो वो मैं तेरे क्यों अरे मैं लत लत ये देख अनेरा गोप है बनाने पागल। गाइस अब हम घर आ चुके हैं, रात के 11 बज चुके हैं तो आज जेबी बहुत ज़्यादा लेट आया और थका हुआ था, इस वजह से आज ज़्यादा जेबी ने कुछ इन्जॉयमेंट नहीं की और अभी जेबी बार बार इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा है और मुझे कह रहा है कि तुम ना सिंगर बन जाओ। तो क्या तुम कह रहे हो सिंगर में बन जाऊँ? हाँ यार तुम गा भी सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो मैं किस चीज़ की कमी नहीं, तो क्या मैं शादियों पे जाके गाया करूँ? हाँ शादियों पे और वैसे भी जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उन पे जाके गाया करूँ। तो तुम फिर मेरे साथ जाया करोगे गाने? कि तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा राइट हैंड बन के रहूंगा राइट हैंड के माइक बन के रहोगे मेरा नहीं राइट हैंड बन और बिलाल को भी हम साथ लेके जाया करेंगे संग अपने फंक्शंस पे। बिलाल क्या करेगा माजे? बिलाल तो तबला बजाएंगे अपना तबला जिसने साथ में था, उसके पेट पे तबला है ना। सही है, चले मैं भी कुछ सोचता हूँ गाइस के जेबी के मशरे के ऊपर थोड़ा अमल करने की कोशिश करता हूँ और कोई गाना हम भी निकालते हैं अपना, फिर आप बताइएगा कि हम सिंगर बने या ना बने। गाइस हमारा प्रोग्राम था कि हम सो जाएं फो तो जाएं, लेकिन मामू की कॉल आ गई जेबी को, उन्होंने कहा है कि जेबी जाओ क्या करो फौरन से चार रोटियां लेके आ जाओ घर। तो मैंने कहा जी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, कंपनी देता हूं। तो अभी हम जा रहे हैं, फ्लैश है किसको नहीं पता, अन्ना हो बंदा कर मोटरसाइकिल से। सो गाइस इतनी ठंड में मैं आ गया, मेरा बहुत ही बैड डिसीजन था शेबी के साथ आने का इस टाइम। तो अभी की हालत क्या हो रही है बाइक के ऊपर? बहुत ही ठंडी हवा है भाई। सो गाइस अभी हम सोसाइटी में सेंटर हो रहे हैं, रोटियां हम ले आए हैं, बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो गई है। देखे जेबी अंदर बैठ गया, क्यों जेबी वजह ओ तो कड़ा विच आ गई। सो गाइस रात काफी हो गई है और हमने प्लान था कि हम सो जाएं, अब क्या कर रहे हो तुम बताते जाओ लास्ट का फिर। अब मैं अभी अपने कपड़े प्रेस करने लगा, क्यों? अच्छा ऑफिस के लिए, तो वो कहाँ है वो दूसरा कौन? बिलाल बिलाल कुत्ती गई उधर असल भाई का, तो हमें अपने कपड़े बिलाल अपने जेबी अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया ओलिविया, शुक्रिया।